की बात कर रहे हैं, गोल मतलब टारगेट, सट्टर गोल मतलब टारगेट जो सामने है, जितने गोल है सबसे बेस्ट गोल कौन सा है कोई बताएगा? डिसीजन चेक, और जी और कोई? देखो हम सिल्वर है ना, हमारा नेक्स्ट लेवल क्या है? ये भी तो गोल है। और क्या गोल हो सकता है? बेस्ट गोल बताऊं, मैं तो सुनना चाहता हूं। यस, उनके लिए जोरदार तालियां। आपने इभव में आपने गोल सेट किया, जो इभव है मुझे उसमें गोल्ड प्रमोशन लेना है। ड्रीम और डेड फाइनल हो गया, गोल हो गया। और दूसरी तरफ आपने कंप्लीट टारगेट को गोल बनाया, दोनों में कंप्लीट टारगेट इज बेटर। क्यों मैं डिफाइन करता हूं? आपका टीम साइज है, आपने डिसाइड किया गोल बनना है, गोल बनना है, और इभव से एक हफ्ते पहले आपका टीम साइज 220 पे रुक जाती है। कितने में? 220। तो फिर आप क्या सोचते हो? चलो कोई बात नहीं, अगले इभव में तो हो जाएगा। क्यों? क्यों इभव के बाद आपने एक भी सेल करेंगे तो आपका टीम साइज होती है 221, मतलब टीम साइज तो जीरो पे नहीं आया ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। मतलब कंप्लीट टारगेट की बात कर रहा हूँ, यूरोप टारगेट, थाईलैंड टारगेट, मोबाइल टारगेट, स्मार्ट फोन। मैं 20 का एक टारगेट लेता हूँ थाईलैंड का। थाईलैंड कितना प्यार? 78 प्यार है सिल्वर के लिए। अगर आप 78 प्यार में फाइट कर रहे हो, लास्ट हफ्ता है 156 होना चाहिए ना, 130 पे आके रुक गया। कितने में? और कितना चाहिए? 26। आपके माइंड क्या बोलेगा? अगर मैं 26 नहीं करूंगा कंप्लीट टारगेट के बाद, जो नेक्स्ट कंप्लीट टारगेट आएगा, मेरा रेशियो 0-0 हो जाएगा। 130 घट कर क्या हो जाएगा? 0। मैं इतना मेहनत किया 90% और 10% में मेहनत करूंगा, पूरा जोर लगाएंगे, भूखे प्यासे काम करेंगे और 26 से लाभ करेंगे, आपका टीम साइज और 26 बढ़ जाएगा। वो जोर आपका नेक्स्ट प्रमोशन में नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है अगले प्रमोशन तो हो जाएगा, मगर टीम साइज बढ़ेगा, जीरो पे नहीं आएगा। इसीलिए कंप्लीट टारगेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज बताता हूं, सिल्वर से गोल्ड लेवल सबसे टफ होता है, सबसे टफ होता है ना। सिल्वर आप कभी भी बनते हैं, चाहे एक महीने बनते हैं, चाहे दो साल में बनते हैं। सिल्वर जब तक नहीं बने ना, आपके अंदर एक जोश होता है, ऊर्जा होता है, मुझे सिल्वर बनना है, मुझे सिल्वर बनना है, मुझे सिल्वर बनना है। जैसे आपने सिल्वर बन गया, उसके बाद गाड़ी स्लो हो गया, गाड़ी स्पीड में था, 100 के स्पीड में आपने स्टार्ट बंद कर दिया, गाड़ी तो फिर तो आगे चलेगा थोड़ी देर, टीम साइज 55-60-70 पे आके रुक गया, और रुक गया, जोश खत्म हो गया। उसके बाद देखते हो गोल्ड बनना है, बाप रे बाप 250 कहां से लाऊंगा मैं, एक सेल करते हो 71, 250 बहुत दूर है, फिर एक सेल करते हो 72, 250 बहुत दूर है। अगर आपने कंप्लीट टारगेट के ऊपर फोकस किया, गोल्ड के ऊपर फोकस नहीं किया, तो क्या होगा? आप 71 टीम साइज नहीं देखोगे, 72 टीम साइज नहीं देखोगे, क्या देखोगे? मेरा 2 पेयर हो गया, मेरा 4 पेयर हो गया, मुझे इतने पेयर करना है, इतने पेयर करना है, तो माइंड पूरा उसके ऊपर रहेगा। मान लो 78 पेयर नहीं किया, 156 सेल नहीं हुआ, पर 100 सेल हो गया, 100 सेल हो गया, तो फिर देखोगे मेरा टीम साइज कितना हुआ, 70+100 कितना, 170, 200 के करीब पहुंच गया। फिर क्या सोचोगे? बस 20-30 सेल्स करने, 200 प्लस हो गया, तो फिर गोल्ड के लिए फाइट करना है। समझ में आया ना? कंपनी एक्चुअली सिल्वर को गोल्ड बनाने के लिए, इस मुश्किल लेवल को अचीव करने के लिए ही कंपनी टारगेट ही देता है। अभी हम कंपनी टारगेट पर बात करते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसके ऊपर सारे मैंने बताऊंगा आगे, एक तो एग्जांपल जरूरी है ना। मैंने एग्जांपल ले लिया, आपने थाईलैंड का टारगेट सेट किया सिल्वर ने, आपने क्या टारगेट सेट किया? 78 पेयर करना है। क्या होता है ना, हमारे गोल को हम पकड़ के होल्ड करके रख नहीं पाते, होल्ड करके रख नहीं पाते, थोड़ी दिन के बाद नहीं होगा, ऐसा होता है ना। क्यों होल्ड के पकड़ नहीं पाते हैं? हम गोल को हम चेंज कर देते हैं, चलो कंप्लीट टारगेट काम नहीं करते, ये सिल्वर होना है उसको सिल्वर बनाता हूं, दो हफ्ते मैं अपने गोल्ड के लिए फाइट कर रहा हूं, नहीं इसको 10 के टीम से लाता हूं, अपना गोल तो चेंज हो गया, बार बार चेंज करते हैं, मतलब गोल को चेंज नहीं करना, स्ट्रेटेजी को चेंज करना है, काम करने तरीके को बदलना है। तो क्यों ऐसा होता है, क्यों होल्ड कर नहीं पाते हैं? वो एक बीमारी होता है, ये नॉर्मल बीमारी सबको, मुझे भी आपको सबको, फिर दुनिया में सबको होती है, वो बीमारी का नाम है
हेडोनिक एडप्टेशन, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हेडोनिक एडप्टेशन क्या है? आपने बहुत भूख लग रहा है, जैसे अभी भूख लग रहा है, लॉन्च होगा, भूख लग रहा है, आपके सामने प्लेट में गुलाब जामुन रख दिया गया, जितना खाना है खाओ, आपने फटाफट गुलाब जामुन खाया, ओह बहुत मजा आया, नहीं दूसरा खाया मजा आया, तीसरा खाया ठीक लगा, चौथा खाया ठीक ठाक लगा, पांचवा खाया चलेगा, छठा मजा नहीं आया, ऐसा होता है ना। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, आपने कार खरीदा, आपने गोल पूरा किया, मिड टर्म गोल पूरा किया, 4 लाख का कार खरीदा, तो आपने रात को 3 बार उठ के कार के पास गया, अगले दिन 10 बार कार के पास गया, आपके पत्नी भी गए, आपके पत्नी हाथ में सांप दे धूल लगा, शीशा भी धूल, हाथ में सांप दे कपड़े में नहीं, ओहो सर इसमें दब गया, कहां पे था आगे आगे चल रहा, तो कार के पास अब गए, 10 बार कार का दरवाजा खोला, ड्राइविंग नहीं आता है, आपने कार ले लिया, फोन में बात किया लोगों से, कार में बैठ के स्टैंडिंग ऐसे से घुमाया, एक हफ्ते के बाद 2 बार कार के पास गया, चौथे हफ्ते के बाद 1 बार गया, 2 महीने के बाद 1 इंच का धूल जम गया, ऐसा होता है। और एक एग्जाम्पल ये समझ में आ जाएगा, आपकी नई नई शादी हुई, राइट, आप घर से बाहर गए, अपने नई बीवी को 10 बार फोन किया, पूरे हफ्ते 10 बार फोन किया, अगले हफ्ते 8 बार फोन किया, अगले हफ्ते 6 बार फोन किया, अगले हफ्ते 4 बार फोन किया, 3 महीने के बाद 1 बार भी फोन नहीं किया, बीवी का फोन आया, कितने बजे आओगे, खाना बना के रखूं, मतलब हिडोटी हेडोनिक एडप्टेशन मतलब कोई चीज को बार बार करने पर एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, उत्साह खत्म हो जाता है, ये नॉर्मल बीमारी है सबके साथ, 99% लोगों के पास है। आपने गोल सेट किया, जैसे कंपनी टारगेट आता है ना, आप 4 फीट उछल जाते हैं, सर मैं जीतूंगा, मेरे टीम में सारे 50 लोग को जीताऊंगा, मैं अकेले नहीं जीतूंगा, क्योंकि मैं एयरप्लेन में जाऊंगा तो अकेले अच्छा लोग होगा क्या, मेरे पीछे सेल्फी जो लूंगा, मेरी टीम तो 50 लोग होना चाहिए ना। आपने बोला 2 हफ्ते के बाद यूरोप का टारगेट सेट किया, 2 हफ्ते के बाद यूरोप नहीं होगा, सर बैंकॉक टारगेट जीतूंगा थाईलैंड का, 1 महीने के बाद सर ये नहीं सर गोवा का टारगेट में सियोर जीतूंगा, और 6 हफ्ते के बाद सर लगता है टारगेट नहीं होगा, सर अगली बार फिर ट्राई करो, होता है ना। क्यों? क्यों गोल्ड को आपने होल्ड नहीं कर पाया, और होल्ड करके रखते हैं वो गोल, वो जो गोल आपका जो जो कंपनी टारगेट जीता उसको होल्ड नहीं कर पाया, तो वो होल्ड करना है। ये नॉर्मल बीमारी सबको होता है, सबको, इसको बोलते हैं हेडोनिक, ये चैलेंज है हमारा, आज हम इसको चैलेंज देंगे, हम चैलेंज को चैलेंज देंगे, राइट, चैलेंज, चैलेंज का नाम है सेट अबनॉर्मल, अबनॉर्मल रिमाइंडर, नॉर्मल रिमाइंडर क्या है, अबनॉर्मल क्या है, नॉर्मल मतलब आपने दीवार पे लिख दिया मुझे यूरोप टूर जीतना है, रोज उसको देखा, मुझे 3 साल के बाद इतने तारीख को डायमंड बनना है, वो डेट लिख दिया, 2021 दिसंबर 25 तारीख को मेरा एनिवर्सरी है, मैं उसमें डायमंड बन के जाऊंगा, लिख दिया, इसी हो गया नॉर्मल रिमाइंडर, उसको देखा तो आप याद आया। आज मैं कुछ उल्टा बताऊंगा, अबनॉर्मल, अबनॉर्मल रिमाइंडर, देखो कैसे, रिस्ट वॉच नॉर्मली बाएं हाथ में पहनते हैं ना, उसको दाएं हाथ में पहनना और उल्टा पहनना, 6 ऊपर की तरह होना चाहिए, 12 नीचे की तरफ, जैसे टाइम देख लोगे, मोबाइल पर टाइम नहीं देखना, किस पर टाइम देखना, घड़ी में, कितना बजा है, थोड़ा तकलीफ होगा आपको देखने में, तो फिर दिमाग में घंटी बजेगा कि मुझे यूरो टारगेट जीतना है, ठीक है, यूरो टारगेट जीतना है, उल्टा पहन के बैठोगे, किसी के पास मान लो व्यक्ति नजर किया, जनरली हर व्यक्ति दूसरे का गलती को नजर करता है, सर नहीं यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे सब गलत है, बोलेगा सर 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 आपने घड़ी उल्टा पहना है, आप क्या बोला कि नहीं मैंने ठीक पहना है, मैं यूरोप टूर जाऊंगा, 3 महीने के बाद मैं यूरोप जा रहा हूँ, याद आएगा, यूरोप जीतना है, थाईलैंड जीतना है, जो भी आपने सेट किया है। दूसरा, टूथब्रश, सबसे पहले सुबह उठ के ये जरूरत है ना,
उसको कि दूसरे कमरे में दूसरे जगह पे रखिए, बाथरूम में हॉल में मत रखिए, फ्रिज के ऊपर मत रखिए, टीवी के ऊपर मत रखिए, जहां पे रखते हैं कभी किचन में रख लीजिए, कभी बालकनी में रख लीजिए। सुबह के जो ब्रश टूथपेस्ट हाथ में आ जाएगा, बिना ब्रश के जाओगे नहीं ना, या बिना ब्रश के जाते हो क्या कोई? चलिए तो उसको ढूंढने में एक मिनट लगेगा ना, फिर दिमाग घंटी बजेगा मुझे यूरोप जीतना है, यूरोप जीतना है, यूरोप जीतना है, याद दिलाएगा ना, ये करना है। तीसरा मिरर, मिरर जरूरी है, हर व्यक्ति सुबह उठ के मिरर देखना चाहेगा कि मैं कितना खूबसूरत हूं नहीं, और उसी मिरर को घर में रखता है जिस मिरर में ज्यादा खूबसूरत लगता है। अगर मिरर में खूबसूरत नहीं लगता है उसको नहीं रखेगा, तोड़ के फेंक देगा, राइट। तो मिरर को ना आधा ढक दीजिए, पेपर में या टॉवल में किसी तरह का, जब आप सेविंग करोगे मिरर के ऐसे ऐसे करोगे ना थोड़ा तकलीफ होगा, तो फिर दिमाग में घंटी बजेगा मुझे यूरोप जाना है, 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 यूरोप जाना है। और क्या करना, लैपटॉप का वॉलपेपर, रोज लैपटॉप खोलते हो, प्लान दिखाते हो, फॉलोअप करते हो ना, लैपटॉप वॉलपेपर बना को डीप कलर कर दीजिए, जिसमें आपने जो आइकन रखा है ना, प्रेजेंटेशन काम पे, फोल्डर काम पे, सुबह सर का वीडियो मीटिंग काम पे, उसको जैसे वो आसानी से ना ढूंढ पाए, एक दो मिनट लगे, फिर माइंड में घंटी बजेगा मुझे यूरोप जाना है, यूरोप जाना है, यूरोप जाना है, राइट। और क्या पांचवा, कार या बाइक को चाबी वहां पर नहीं रखना जहां पर रखते हो, बिना कार में तो घर से बाहर नहीं निकलोगे, बिना बाइक में तो नहीं निकलोगे ना, तो जरूरी है ना चाबी को दूसरे जगह पर रखिए, इसे ढूंढने में एक मिनट लगेगा, अपने व्हीकल या बाइक का चाबी कहां है, तो फिर आपको जो एक मिनट परेशान हो जाओगे, फिर दिमाग क्या घंटी बजेगा मुझे टारगेट जीतना है, टारगेट जीतना है, टारगेट जीतना है, टारगेट, मतलब रोज आपने रोज 100 बार आपको याद दिलाया ये टारगेट जीतना है, टारगेट जीतना है, टारगेट जीतना है। मैं जो ज्वाइन किया था, मेरा टीम छोटा साइज था, मैंने सर को बोला, सर बोला सर मैं जब तक सिल्वर नहीं बनूंगा मेरा सबसे फेवरेट फूड चिकन वो नहीं खाऊंगा, मैं जब तक सिल्वर नहीं बनूंगा तब तक मैं चिकन नहीं खाऊंगा। जब मैं रास्ते में जाता था चिकन दुकान देखता था, चिकन नहीं खाना है, सिल्वर नहीं बनना है। मैं दीदी के घर जाता था, दीदी बोलती चित्रा जी ने आजकल चिकन बनाए, मुझे नहीं खाना है। तो सामने एक मीटिंग में मुझे लेके गए, एक मीटिंग बहुत बड़े बड़े लीडर्स आए थे, मतलब सेफ सबका सारे टॉप लीडर आए थे, मेरा किस्मत है मैं फॉर्चुनेट हूँ, बहुत छोटे से टीम साइज में सिल्वर से नीचे मैंने वो मतलब ट्रेनिंग देखने का मौका मिला, शायद इसीलिए सुबह सर को लगा ये व्यक्ति सेफ सब को कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, कितने भी स्लो हो मेरी टीम को छोड़ के नहीं जाएगा, इसीलिए वो मुझे लेके। वहां पे तरह तरह के चिकन का आइटम था, मैं देखता था नहीं खाना, तो ऐसे करके मेरा माइंड में बार बार क्या आता था, मुझे सिल्वर बनना है, सिल्वर बनना है, सिल्वर बनना है, तो इन्होंने कहा अरे कसम मेरे ऊपर असर नहीं किया और मैं सिल्वर बना। तो आपने जो गोल सेट किया है, जो भी गोल आपने सेट किया है उसको रिमाइंडर लगाना पड़ेगा इस तरह, राइट। आगे बढ़े, तीसरा मंजिल, ये सब आगे आसान होगा, आपको क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आपको लिखना पड़ेगा, मतलब किसी भी चीज को पाने के लिए क्या क्या काम करेंगे कम से कम जरूरी है जिस वजह से मुझे प्राप्त हो जाएगा। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, डायमंड बनने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ये कंप्लीट टारगेट एग्जाम दे रहा हूं उसको बात करते, कंप्लीट टारगेट जितने कर लिया मुझे कम से कम 5 काम करना पड़ेगा, कम से कम 5 से ज्यादा हो सकता है, मैं आज 5 काम बताऊंगा आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, जिसको करने पर एक टारगेट आप अचीव, एक गोल आप अचीव कर लेंगे। पहला काम क्या करना पड़ेगा, अगर आपको यूरोप टारगेट जीतना है या थाईलैंड टारगेट जीतना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ। देखिए आप सिल्वर हो तो आपको लेफ्ट में एक व्यक्ति, एक एसोसिएट, राइट में एक व्यक्ति को सेम टारगेट जिताना है। मैं थाईलैंड की बात कर रहा हूं, 78 प्लेयर है, तो उसके लिए कितना प्लेयर है, 48 प्लेयर है फ्रेशर के लिए, उसको 48 पे जिता, मतलब 96 के लिए फाइट करेगा, इधर भी 96 के लिए फाइट करेगा, तो आप ही फाइट कर रहे हो, तो अभी आप कितने बंदे हो गए फाइट करने के लिए, 3 बंदे हो गए फाइट करने के लिए। अगर आपने टीम के ऊपर, टीम को फाइट नहीं कराओगे, खुद फाइट करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जीतूंगा, टीम जाए मैं जीतूंगा, तो आप ही सिर्फ फाइट कर रहे हो,
तो सिर्फ एक बंदा फाइट कर रहा है, मतलब गाड़ी खराब हो गया सिर्फ एक बंदा धक्का दे रहा है, और तीन बंदे धक्का देंगे तो आसान होगा ना गाड़ी। अगर आप सिर्फ टारगेट फाइट कर रहे हो और उसके अंदर दो बंदे फाइट कर रहे हैं तो तीन मिलकर फाइट कर रहे हो तो टारगेट आसान हो जाएगा। तो पहला क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है, आपके साथ साथ लेफ्ट में एक बंदे को जिताओ, राइट में एक बंदे को जिताओ, सेम टारगेट जो टारगेट आप जीतना चाहते हो, राइट। दूसरा मेंटेन वीकली रेशियो 156 सेल चाहिए ना पूरे 12 हफ्ते में 13 हफ्ते में 7 पेयर चाहिए तो 12 से 13 13 से 14 सेल चाहिए ना उसको आप मेंटेन करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर हफ्ते का। क्यों हफ्ते का क्यों? आप बोलोगे सर ऐसा नहीं कर सकता हूं, सर एक महीने का टारगेट लेता हूं फिर दूसरा महीना फिर तीसरा महीना। एक्चुअल क्या होता है, हमारा जो दिल है ना बहुत बढ़िया है पर दिमाग ना बहुत शैतान होता है, दिमाग बहुत लॉजिकल सोचता है, फायदा किया फायदा किया फायदा किया। नहीं, आप जो सोचोगे मैं एक महीने का टारगेट लेता हूं करूंगा, दिमाग बोलेगा वीकली चेक बनता है वीकली चेक बनता है वीकली चेक बनता है, घूम फिर के आपका दिल और माइंड सेम हो जाएगा तो वीकली तो चेक बनता है। तो कुछ भी टारगेट सेट करो वीकली टारगेट सेट करना है, क्योंकि आप बोलोगे मैं डे का टारगेट सेट करता हूं आज इतना सेल करूंगा पर आपका माइंड को पता है आज भी नहीं करूंगा ना कल भी करूंगा ना, मतलब तो वीकली टारगेट में तो कम हो जाएगा ना, तो यही प्रॉब्लम है। तो हमेशा वीकली टारगेट को फोकस करना है, राइट। तो वीकली इतना सेल आपको मेंटेन करना है और क्या करना है, अगर 156 सेल करने के लिए चार मल्टीप्लाई कर दो, मान लो हम मान लेते हैं चार बंदे से एक बंदे ज्वाइन करता है 4:1 तो 600-500 करना पड़ेगा तीन महीने का टीम के लोगों ने मिलकर, तब जाके 156 सेल होगा। तो कितना 500 करेंगे, इतना करेंगे तो जीत सकते हैं। फिर क्रिटिकल फैक्टर आते हैं, फेस वैल्यू सेल के ऊपर मैं जाऊंगा और जल्दी से जल्दी लोगों को ज्वाइनिंग हो जाएगा तो मैं जीत सकता हूं, तो फेस वैल्यू सेल के ऊपर काम करना है। और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है, मल्टी लेग सेल, एक आईडी में ज्वाइन नहीं कराना, मल्टीपल आईडी में उसको ज्वाइन, तीन आईडी में पांच आईडी में जैसे भी है ना उसे ज्वाइन कराएंगे तो हमारा ये सक्सेस आसान हो जाएगा। ये हो गया क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, हो गया, ये हो गया तीन, आगे बचा चार और पांच, ये हो गया तीन, आगे बचा चार और पांच। अच्छा भाइयों और बहन बोर तो नहीं हो रहे ना, पक्का नींद तो नहीं आ रहा ना, बस थोड़ी देर लगेगा नींद नहीं आ रहा ना। एक्चुअली ये ट्रेनिंग, ये गोल, ये सपने किसके लिए है, मतलब हाईली पॉजिटिव पीपल के लिए। ये दुनिया में जितने लोग सक्सेस किए हैं वो हाईली पॉजिटिव पीपल है, हाईली, उनको नेगेटिव दिखाई नहीं देता है, उनको कुछ भी दोगा उसको पॉजिटिव दिखाई देता है। जैसे प्यार और आफ्टर शादी, जब आप किसी को प्यार करते हो तो उसकी गलती आपका खाली आंख में देखेंगे, दिखाई नहीं देगा। शादी के बाद एक दूसरे की गलती माइक्रोस्कोप में देखते हैं। मेरे हाथ में बहुत सारे कीटाणु अभी है, दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में देखेगा कितने करोड़ का कीटाणु है, पता है ना। तो शादी के बाद हम कैसे देखते हैं गलती एक दूसरे का, माइक्रोस्कोप। तो हाईली पॉजिटिव पीपल क्या होते हैं, खाली आंख में गलती को देखते हैं। जो नेगेटिव माइंडेड पीपल क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप में गलती को देखते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं, दूं? Yes! हस्बैंड ने सुबह उठ के ऑमलेट बनाया अपने वाइफ के लिए। हस्बैंड क्यों बनाया, क्योंकि आज का जमाने का हस्बैंड वाइफ, आज के जमाने 50 साल पहले पति बोलता था एक कप चाय तो पत्नी पहले से खड़ी होती थी चाय लेकर, आज से 50 साल पहले, आज से 25 साल पहले पति ने बोला एक कप चाय, पत्नी ने बोला अभी लाई जी, फिर बना के लाती थी। आज से 10 साल पहले पति ने बोला एक कप चाय, रुको सीरियल खत्म होने दो, फिर बनाता, ठीक है। और आज का जमाने का, आज का टुडे लेटेस्ट, पति ने बोला एक कप चाय, पत्नी ने बोला क्या बोला, फिर पति ने बोला एक कप चाय बनाने जा रहा था, सोचा कि तुम्हें भी पूछ लूं तुम पियोगे क्या। बहुत सारे देवियां बैठे हैं और ये तो हॉट सीट है, यहां पर तो कोई खतरा नहीं है, तो यहां से उतरने के बाद मेरा क्या हाल होगा मुझे समझ आ गया। लेट मी क्लैरिफाई,
एक्चुअली मैं नहीं बोला, मेरे पास एक वर्कशॉप का ग्रुप है, खाली टेढ़ा मेढ़ा मैसेज आता है वहां पे। वो मैसेज आया था, मैं पढ़ के सुना दिया। भाई मेरा क्रिएटिविटी नहीं है, मेरा क्रिएटिविटी ट्रेनिंग है। बस गया, बस गया। सुबह सुबह हस्बैंड ने एमलेट बना के लाया और पत्नी ना नेगेटिव माइंडेड के है, तो पत्नी ने बोला तुम नहीं सुधरोगे, आज उबाल के लाना था, तुम ऑमलेट बना के ले आया। पत्नी ने बोला ठीक है। अगले दिन सुबह उठा पति, दो अंडे को उबाल के ले आया प्लेट में। पत्नी ने बोला तुम नहीं सुधरोगे, आज ऑमलेट बना के लाना था, तो आज उबाल के ले आया। पत्नी ने बोला ठीक है। अगले दिन पति उठा, दो अंडे को ऑमलेट बना दिया प्लेट में रखा और दो अंडे को उबाल दिया, दोनों को ट्रे में लेके आया। तब पत्नी ने बोला तुम नहीं सुधरोगे, तुम कभी सुधर नहीं सकते, जो अंडा को ऑमलेट बनाना था उसको तुमने उबाल दिया, जिसका पत्ता था उसका ऑमलेट बना दिया। तो नेगेटिव माइंडर तुमको के लिए दुनिया में कोई चीज बना नहीं है। जो नेगेटिव माइंडर ना इसी हॉल में उनको नेगेटिव दिखाई देगा। सर टेबल के ऊपर ग्लास नहीं है, सब प्यार है, पेन तो आया नहीं, आएगा ही नहीं, कहां पर अपना स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग बना दोगे ना, फिर कमी निकालेंगे। इन लोगों के लिए कोई सिस्टम नहीं बना है जो कमियां बनाने के लिए। तो बी पॉजिटिव, रिलैक्स हो गए, नींद खुल गया, अभी आगे बात करें, बस थोड़ा सा रह गया। फोर कॉन्स्टेंट रिव्यू टेक्निक। फोर्थ स्टेप क्या है? कॉन्स्टेंट रिव्यू टेक्निक। आप जो काम कर रहे हो अपने आप को टेस्ट करना है, रिव्यू करना है कि हम ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो दो टेबल बताऊंगा, टेबल वन टेबल टू, ठीक है। टेबल वन टेबल टू, टेबल वन में तीन कलम है, वीक लिखना है, 12-13 हफ्ता जो भी कंप्यूटर का टेबल मिलता है 12-13 हफ्ता मिलता है, और इफर्ट स्कोर लिखना है, एफर्ट स्कोर लिखना है और रिजल्ट स्कोर लिखना है। तो फर्स्ट वीक में आपने एक खत्म होने के बाद आपने जो एफर्ट किया, एफर्ट मतलब आपने जो प्रयास किया, आपने 25 प्लांट्स हुआ टीम में, 40 फॉलोअप हुआ टीम में, तो रिजल्ट आया 7 से, तो इसको हमने रिजल्ट में लिखा। तो उसको फिर रिजल्ट तो बेहतर चाहिए हमें, तो एफर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। मोटापा को कम करना है तो रनिंग को फिर ज्यादा भगाना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। तो फिर इस बार फिर एफर्ट को आपने बढ़ाया, प्लांट्सों को बढ़ाया, फलों को बढ़ाया, फिर रिजल्ट को जज करो। ऐसे कर करके आपने एफर्ट्स को बढ़ाओगे तो रिजल्ट भी आपका बढ़ेगा। टेबल वन टेबल टू, टेबल टू में फिर तीन कॉलम है, वीक है, रिकॉर्ड रेशियो और अचीव्ड। पहले आपका होते कितना चाहिए, 78 पेयर है, 12 हफ्ता है, तो 7 पेयर, कितना पेयर चाहिए, लेफ्ट में 7, राइट में 7 आपने लिखा, उसके ऊपर आपने काम किया, 7-7 रिकॉर्ड लिखा और अचीव कितना किया, 4 और 3, तो 4 और 3 है ना। फिर उसको माइनस करो तो 78 से और कितना बचा, उसको फिर 12 हफ्ता चला गया, 11 हफ्ता है, 11 हफ्ते में डिवाइड किया, फिर कितना रेशियो चाहिए लिखो, फिर उसके ऊपर काम किया कितना अचीव हुआ, हर हफ्ते कितना चाहिए आपको अगले हफ्ते का, कितना अचीव हुआ वो लिखना है, दो टेबल मेंटेन करना, राइट। उसके बाद लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट सेशन में हम जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आने वाला है, इसके ऊपर सचमुच हमारा असोच बदल जाएगी। अकाउंटेबिलिटी, 5 नंबर क्या है सक्सेस को पाने के लिए, एक गोल अचीव करने के लिए 5 नंबर जो पॉइंट है क्या है, अकाउंटेबिलिटी। बोलो इसके ऊपर, अकाउंटेबिलिटी मतलब हिंदी में जवाबदेही, आप किसके सामने जवाबदेही होना पड़ेगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके सामने कोई उन्होंने जवाबदेही है। मुकेश अंबानी साहब बहुत अमीर है, सबको पता है ना, वो भी तो जवाबदेही है। नरेंद्र मोदी साहब है, वो भी तो जवाबदेही है। विराट कोहली, वो भी तो जवाबदेही है। तो आपको कामयाब बनना है तो आपके भी जवाबदेही ना पड़ेगा। किसके सामने? एक मेंटर के सामने। एवरीवन नीड्स अ मेंटर। आपको एक मेंटर होना चाहिए, एक कोच होना चाहिए, एक गाइड होना चाहिए। आपके लिए मेंटर, कोच, गाइड कौन है? अपलाइन। योर अपलाइन इज योर मेंटर, योर अपलाइन इज योर गाइड, योर अपलाइन इज योर कोच, जिसके सामने आपको जवाबदेही होना पड़ेगा, जिसके सामने आपको जवाबदेही होना पड़ेगा। अगर गोल आपने टारगेट अचीव करना है, कोई भी गोल, कोई भी ड्रीम, छोटे से लेकर बड़े तक, तो एक अपलाइन होना चाहिए जिसके सामने आपको झुकना है, जिसके सामने आपको जवाब देना पड़ेगा आपने जो काम किया।
मर में क्या होता है ना, जो शुरू से हम ज्वाइन करते हैं हम अपलाइन को समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे सिल्वर है, कोई तीन महीने में, कोई छह महीने में, कोई दो महीने में, कोई महीने में सिल्वर बनता है, कोई थोड़ा सा लेट में बनता है, ऐसा होता है ना। दो तीन चार महीना काफी नहीं है हम अपलाइन को समझने के लिए। आप ये बताओ, हम जो छोटे थे हमारे मम्मी पापा को डांटते थे ना, प्यार भी करते थे, मगर प्यार हमें कम लगता था, डांट ज्यादा लगता था, क्योंकि नेगेटिव चेंज ना ज्यादा बड़ा लगता है। आपको मैं 10 बार अच्छे से बात किया और एक बार गुस्से से बात कर दिया, तो आप याद रखोगे साथ में मुझे गुस्से से बात किया, साथ में बात क्यों करूंगा जिंदगी भर। मैंने 10 बार प्यार से बात किया उसको भूल जाएगी, नॉर्मली बनते रहते हैं, ऐसा होता है ना। तो हमें बचपन में मम्मी पापा को समझ नहीं पाते, थोड़ी देर जो 18-20 साल बड़े हो जाते फिर मम्मी पापा को समझ में आया ना, ये मेरी मम्मी मुझे चॉकलेट क्यों नहीं देती थी, मेरी मम्मी मुझे महंगा साइकिल क्यों नहीं देता था, क्योंकि मेरे पापा का तनख्वाह कम था, मेरे पापा प्यार करते हैं पर कभी कारण मुझे महंगा साइकिल दे नहीं पाए। ये कब समझ में आता है, जब 20 साल का हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं ना। ठीक उसी तरह का आपके अपने अपलाइन को समझने के लिए कम से कम 3 साल चाहिए। कितने साल चाहिए? 3 साल के बाद भी अपलाइन को समझ पाएंगे, अपलाइन जो भी किया आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट किया आपको डेवलप करने के लिए, इससे बढ़िया हो नहीं सकता, इससे बढ़िया हो नहीं सकता। मगर फिर भी हम अपलाइन को क्यों पसंद नहीं करते, क्यों प्यार नहीं करते, क्यों हमें लगता है अपलाइन मेरे साथ गलत करता है, दूसरे के साथ अच्छा करता है। इस कंसेप्ट का नाम है पावर हैंडलिंग। ये चैलेंज है हमारे लिए, हम अपलाइन को क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्यों? पावर हैंडलिंग की वजह से। पावर हैंडलिंग क्या है बताता हूं। जितने भी क्रिएचर है, लाइट लगाता है, मेरा घर छोटा है, उसके झूमर बोले तो, और क्राइम करेगा, सबसे ज्यादा क्राइम इंसान करेगा, उड़ने का पावर आ जाएगा, राइट। और पंछी को उड़ने के बाद हटा देंगे, चलने का पावर रहेंगे, और पंछी देखते रहेंगे ना, सारे जानवर उसको खा जाएंगे। और मछली को पानी में तैरना नहीं आएगा तो समझ में आया ना, नहीं आया। घोड़े को अगर सिंह होता घोड़े को, तो घोड़े का कोई सवारी कर पाता नहीं कर पाता। तो जानवर को कौन सा पावर देना है, पंछी को कितना पावर देना है, इंसान को पावर देना है, कौन डिसाइड करेगा? भगवान के ऊपर बैठा है। ठीक उसी तरह का 5 एसोसिएट है, एक एसोसिएट को कितना पावर देना है, दूसरे एसोसिएट को कितना पावर देना है, तीसरे एसोसिएट को कितना पावर देना है, कौन डिसाइड करेगा? आपको डाउनलाइन को कितना पावर देना है डिसाइड कौन करेगा? अपलाइन डिसाइड करेगा कि किसको कितना पावर देना है। हम क्या बोलते हैं कि उसको ज्यादा पावर दिया, मुझे पावर दिया ही नहीं, ऐसा होता है ना। yes, कभी कभी 10 के टीम साइज हम बोलते हैं तू साइन अप कर, किसी सिल्वर को बोलते हैं साइन अप नहीं करना है। ये क्या सोचता है, मुझे अपलाइन प्यार नहीं करता है, उसको साइन अप सिखा दिया और मुझे साइन अप नहीं सिखाया, कि अपलाइन पता है साइन अप करेगा तो गलत कर देगा, ऐसा होता है ना। एक एग्जाम्पल फिर दे रहा हूं, एक होता है सेवक, एक होता है भगवान। भगवान मूर्ति के रूप में होता है, सेवक का पिछले 25 साल से उसका सेवा कर रहा है, और एक दिन उसको मूर्ति को बोला, भगवान मुझे आपको देख के दया आता है, आप मूर्ति बनकर स्टैचू बनकर खड़े हो, हिल नहीं पाते हो, बोल नहीं पाते हो, सिर्फ देखते रहते हो, आप घूम नहीं पाते हो, मेरे की इच्छा है आप थोड़ा मेरे जगह पे आइए, आपकी जगह पे मैं आता हूँ। भगवान बोले ठीक है, कल सुबह से करते हैं। तो भगवान ने क्या किया ना, सेवक के रूप में आ गया, सेवक मूर्ति के रूप में आ गया। भगवान बोला मैं शाम तक आऊंगा घूम फिर के, मगर एक काम करना, तुम देखते रहना, कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए तो मुंह नहीं खोलना है। सेवक ने बोला जी। सेवक मूर्ति बन के बैठा है, एक भक्त आया, दूसरा भक्त आया, तीसरा भक्त आया, एक भक्त आया बिजनेसमैन, बोला प्रभु आपकी कृपा मेरे ऊपर ऐसे बनाए रखना, मैं तरक्की कर रहा हूं और ज्यादा तरक्की करना चाहता हूं। पॉकेट से पैसा निकाला, पर्स निकाला, बहुत मोटा पर्स था, बहुत पैसा था, 100 रुपया निकाला प्रभु, फिर प्रणाम किया और उठ के चला गया और पर्स भूल गया। सेवक मूर्ति के रूप में है, वो तो ईमानदार है, आज 25 साल से ईमानदारी काम किया, वो बोलना चाहता था अरे तेरा पर्स रुक गया, मगर वो ने भगवान ने बोला नहीं बोलना है, उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। उसके बाद एक गरीब आदमी आता है, गरीब आदमी आता है, प्रणाम करता है, प्रभु मेरे घर में आज खाने को नहीं है, 1 रुपया पॉकेट में था, मैं आपके चरण में अर्पण करता हूँ, मेरे पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, और प्रणाम करता, प्रणाम करके देखता है पर्स से, फिर पर्स उठा दे, प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरा सुन लिया, मैं एक महीने के लिए तो मैं धन्य हो, धन्य हो, क्योंकि पर्स लेके चला गया। पर सेवक तो मूर्ति के रूप में था, वो तो ईमानदार है, उसको
उसके मैं बोलूंगा वो बोलना चाहता तेरा नहीं है भगवान ने नहीं दिया है, वो विदेश में गए तो मत है पर बोल नहीं पाए, मतलब सेवक बोलता बहुत अन्याय हो गया, बहुत अन्याय हो रहा है, मैं सह नहीं सकता। उसके बाद क्या होता है ना, थोड़ी देर जाने के बाद ना वो बिजनेस करके याद आया मेरे को पर्स भूल गया, वो वापस आया मंदिर में लेने के लिए। तो इसी बीच में तीसरा भक्त आ गया जो नौका सेलर था, बिजनेस मैन था, नौका में जाना था। बोला प्रभु दया दृष्टि बनाए रखना, मैं अपने फैमिली को बच्चे को घर पे छोड़ के जा रहा हूँ, 15 दिन के लिए मैं जहाज लेके जा रहा हूँ, अपने नौका लेके जा रहा हूँ समुद्र में, मेरे फैमिली को रक्षा करना। और प्रणाम करता है, उठ के निकलता होता है, तब तक वो बिजनेस मैन आ जाता है। बोले तूने मेरा पर्स लिया है, मेरा पर्स दे या पुलिस को बुलाओ। बोले नहीं भाई साहब, मैं तो अभी अभी नहीं। बोले नहीं, तो पुलिस को बुलाता है। पुलिस ना वो नौका सेलर को पकड़ के लेके जा रहा था, ये जो सेवक है ना उससे अब कंट्रोल नहीं, क्योंकि ईमानदार कंट्रोल नहीं हुआ, वो बोल पड़ा। भगवान ने बोला बोलना नहीं। बोला पुलिस साहब ये अन्याय है, एक्चुअली ये नहीं, वो गरीब आदमी ने लिया है, मैंने देखा है। तो पुलिस ने क्या किया ना, इसको छोड़ दिया नौका सेलर को, और गरीब आदमी को पकड़ के थाना में डाल दिया। तो भगवान आए शाम को, और सेवक बहुत खुश रहा कि आज मैंने अन्याय को बचा लिया। वो इंतजार किया भगवान कब आएंगे, मैं उसको बोलूंगा मैंने कितना बढ़िया काम किया। जैसे शाम को भगवान ने आया तो सेवक ने बोला भगवान आज मैंने अन्याय होते होते बचा लिया सर, मैंने बहुत बढ़िया काम किया। भगवान ने तूने क्या कर दिया यार, तूने बहुत अनर्थ कर दिया। बोला क्यों, ये जो बिजनेस मैन था ना बहुत करप्टेड आदमी था, बहुत ब्लैक मनी, अगर इसका कुछ 1000 रुपया गरीब आदमी को मिल जाता तो कुछ तो गुजारा होता, तो नुकसान नहीं होता। मगर ये जो नौका सेलर है ना, जहां पे जा रहा है वहां पे बहुत बड़ी भयंकर तूफान आने वाला है, वो मर सकता है, उसका बीवी बच्चे का क्या होगा, तूने क्या कर दिया, तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, अब ये नौका सेलर का जान खतरे में तुमने डाल दिया। अगर नौका सेलर को पुलिस जेल में डाल देता झूठी इल्जाम में, कम से कम उसका जान तो बच जाता। जो अपलाइन होता है ना वो आपसे ऊपर बैठा होता है, उसको सारे चीज उसको पता होता है किसको क्या करना है। हम क्या बोलते हैं, हम अपने नजर में सोच के बोलते हैं अपलाइन ने मेरे साथ गलत किया, उनके साथ सही किया, अपलाइन बेकार है, मैं इसे अपलाइन को छोड़ के दूसरे अपलाइन को बस मैं जाऊंगा। ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, समझ में आया। अपलाइन जो करता है हमें जितना पावर दिया है उतना ठीक है, उतना जिसको जितना पावर कंट्रोल कर पाए। कभी कभी अपलाइन किसको पैसा देता है और किसको पैसा देते, दो बार हिसाब मांगता है, तुमने कितना पास में खर्चा किया, कितना ही खर्चा किया, किसी को हिसाब नहीं मांगता। ऐसे में हमारा मन का कोई तो करते हैं, दोनों भाई के बीच में एक बेटा को पैसा देते हैं भूल जाते हैं, वो आके ईमानदार से 10 रुपये 12 रुपये वापस कर देते, दूसरे बेटे को देते तो 4 रुपये पूछते तुमने क्या क्या खर्चा किया। इसका मतलब नहीं दोनों बेटे प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं पर पावर अलग अलग है, पार्ट पेमेंट को लेकर भी पावर अलग अलग होता है। आगे नेक्स्ट ट्रेनिंग में वो सब मिले उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो आपको जितना पावर मिलाना उतना काफी है, उतना काफी अपलाइन के नजर में। अब 3 साल प्रोसेस रखिए, कितने साल अपलाइन जो बोलता है, मैं सिल्वर को बोलता हूँ, जितने सिल्वर है ना 3 साल, आज से 3 साल तक अपलाइन जो बोलता है ना सिर्फ यस बोलिए, फिर 3 साल बाद देखना अब कहां तक पहुंचे। एक पेज रह गया, 2-3-4 मिनट ठीक है, भूख कंट्रोल कर लेंगे। सबसे खतरनाक पेज, सबसे खतरनाक पेज खोलने वाला हूं, 2 खतरनाक व्यक्ति का फोटो मैंने डाला हूं, पूरी दुनिया का 2 खतरनाक व्यक्ति है, मतलब जब से धरती बना है, जब से इंसान जन्म लिया अभी तक 2 खतरनाक व्यक्ति का मैंने यहां पे फोटो डाला हूं, एक मेल एक फीमेल, देखना चाहेंगे। वो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सिल्वर और शुरुआत में अब गलती ना करो। दुनिया के 2 खतरनाक व्यक्ति बताऊं? बताऊं? बी आर शकुनी और मंथरा, दोनों अलग अलग युग के समझाओ। बी आर मतलब क्या होता है, सावधान। उसके घर में गेट में लिखा होता है कुत्तों से सावधान, बी वेयर ऑफ डॉग। तो यहां पे बी वेयर ऑफ शकुनी मामा और बी वेयर ऑफ मंथरा, ये दोनों का साया जिसके ऊपर पड़ता है ना वो उड़ता नहीं, उड़ जाता।
विनाश हो गया। और इसका साया किसके ऊपर आया मंथरा का? कलके की ऊपर। कलके की दुनिया की सबसे अच्छी माँ होती थी। रामचंद्र जी का जन्म देता माँ नहीं थी, पर सुबह उठ के रामचंद्र को देखते थी, फिर जाके अपना काम करती थी। सबसे ज्यादा प्यार रामचंद्र को कलके की करती थी, कौशल्या नहीं करती थी। रामचंद्र जी को क्या पसंद है ना पसंद है कलके को पता है। मैंने दुनिया के सबसे खूबसूरत सबसे ब्यूटीफुल मैंने सबसे बढ़िया माँ थी, उसके ऊपर साया किसका पड़ गया? कैकेयी का जीवन नष्ट हो गया। रामचंद्र वनवास भेज दिया, फिर रियलाइज हुआ कि मेरे ऊपर ये दुष्ट आत्मा का साया है। फिर जिंदगी भर अफसोस करती रही। जिंदगी भर ना उसकी जिंदगी क्या बन गई? एक अच्छी माँ की जिंदगी नष्ट बन गई। ठीक उसी तरह का जाने अनजाने में हमारे ऊपर शकुनी और मंथर का साया पड़ जाता है, हम विनाश हो जाते हैं। आज के युग में भी मंथर और शकुनी है। टीवी सीरियल देखते हैं? Yes. देखते ना, टीवी सीरियल में एक शकुनी होता है, जॉइंट फैमिली में एक मंथरा होता है। वो क्या करते हैं? घर के अंदर रहते हैं, घर के रूल रेगुलेशन को पहले फॉलो करते, देखते सारे रूल रेगुलेशन, देखने के बाद अपने तरीके से रूल रेगुलेशन को तोड़ते हैं, करते ना। शकुनी मंथरा क्या किए? राज निवास में रहते हुए, राज की परंपरा को देखते हुए, रूल रेगुलेशन देखते हुए उनके सिस्टम को तोड़े ना। सीरियल में ही होता है ना, हर घर में एक शकुनी और मंथरा होता है ना। मतलब क्या करते ना, घर का सिस्टम को तोड़ते, मतलब जिस थाली में खाना खाते हैं उस थाली में छेद करते। हमारे सिस्टम में, हमारे बिजनेस में, हमारे टीम में भी मंथरा और शकुनी होते हैं। शक्ल से बहुत खूबसूरत होते हैं और दिमाग से बहुत शैतान होते हैं। एक टीचर ने पूछा पिछले दो हफ्ते पहले भी एक बार सब कहा, बच्चों दुनिया के खतरनाक जानवर का नाम बताओ। एक बच्चा खटाफट खड़ा हो गया, सर मैं बताऊंगा। बोलो सर, हिरन दुनिया का खतरनाक जानवर है। गुरुजी बोला कैसे? हिरन तो दुनिया का सबसे खूबसूरत जानवर है। बोला नहीं सर, तृतीय युग में रामचंद्र जी का जीना हराम कर दिया था, और इस युग में सलमान खान साहब का भी जीना हराम कर दिया। देखने में सुंदर है, मतलब दो जुग मैंने खतरनाक काम किया है। तो ये जो शकुनी मंथरा होते हैं ना, कभी हमारे डाउनलाइन के रूप में होते हैं, हमारे अपलाइन के रूप में होते हैं, देखने में बहुत सुंदर होते हैं, मगर उनका दिमाग ना बहुत शैतान होता है। किस पहचान में कैसे? जो सिस्टम को तोड़ने वाली बात करता है, सिस्टम में रह के कंपनी के रूल रेगुलेशन को जान के रूल को तोड़ता है, अलग से टीम बनाने की बात करता है, बोलते मत बोलो मैं अपलाइन हूं। ये होता है सबको, ये होता है मंथरा। जो सिस्टम में रह के सिस्टम को तोड़ के अलग सिस्टम बनाने की बात करता है वो है शकुनी, वो है मंथरा। ये शकुनी मंथरा ना बहुत खतरनाक दोस्तों, दे आर दो ब्लड सकिंग वैम्पायर्स है। इंग्लिश मूवी देखते हो, हॉरर मूवी, एक वैम्पायर होते जिसके लबले में दांत होता है, वो खून चूस लेते हैं, ड्रैकुला, ये उससे भी काफी भयंकर होता है। ये लोग का टेररिस्ट होते हैं, टेररिस्ट, उनका कोई परवाह नहीं होता है लाइफ का, कोई गोल का परवाह नहीं होता है, और अपने नीचे जितने लोगों को कंट्रोल करके रखते हैं उनका भी कोई परवाह नहीं होता है। टेररिस्ट के पीछे परवाह होता है, खुद पता लोगों को मारता है। तो आपको शकुनी और मंथरा के साय से बाहर निकलना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? आई रिपीट, जो बोलता है अपलाइन को मत मानो, सेमिनार में मत जाना, अलग सेमिनार बनाएंगे, अलग रूल बनाएंगे, अलग सिस्टम बनाएंगे, वही हो गया शकुनी और मंथरा। जिसके ऊपर अपलाइन नहीं है उसके ऊपर अपलाइन नहीं, उसके ऊपर अपलाइन नहीं है, वही शकुनी। आपको ऐसे अपलाइन मानना है जिसके ऊपर एक अपलाइन है, जिसके ऊपर एक अपलाइन है, जिसके ऊपर अपलाइन है। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा के ऊपर मैं अपलाइन हूँ, मेरे ऊपर सुबह सर अपलाइन है, सुबह सर के ऊपर हर सर अपलाइन है, हर सर के ऊपर कंपनी डायरेक्टर अपलाइन है, कंपनी डायरेक्टर ऊपर गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है, मतलब सबका एक बाप है। जिसका बाप नहीं है बहुत अच्छे से लोग हमारे बिजनेस को ज्वाइन करते, बहुत अच्छा कर सकते थे, वो अच्छे अपलाइन से निकल के ये दुष्ट आत्मा के शरण में आ गए, उनके साया आज खत्म हो गए। तो हमें अपने आप को ये चैलेंज, अपने आप को अकाउंटेबिलिटी, हमें क्या अच्छा अपलाइन चाहिए? कौन सा अच्छा अपलाइन है? जो सिस्टम है जिसके ऊपर अपलाइन है, जिसके ऊपर अपलाइन है, जिसके ऊपर अपलाइन है, वही हमारा अपलाइन। आपका सिल्वर लीडर के ऊपर, आपके सिल्वर लीडर अब सिल्वर हो, आपका गोल्ड अगर किसको अपलाइन मानता है, पर्ल को या टोपाज को, वो अगर किसी एमराल्ड को अपलाइन मानता है, वो एमराल्ड किसी डायमंड को मानता है, डायमंड
आगे सुबह सर को मानता है, सुबह सर आगे तो मानते हो सर को, तो अभी जाएगा ठीक है अप्लाई नहीं, और अलग से सिस्टम की बात करता है तो समझ लेना, क्योंकि ये दुनिया का सबसे खतरनाक है। आपके सपनों का दोस्त, मेरे यार, मेरे फ्रेंड, जिंदगी एक बार मिला है, जिंदगी ना एक बार मिला है, कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ बड़ा सा सपना पूरा करने के लिए आए हैं, कुछ बड़ा सा सपने पूरा करने के लिए आए हैं, ये दुनिया को बदलने के लिए आए हैं, दुनिया को बचाने के लिए आए हैं। ये तब कर पाएंगे जब हमारे अच्छे अपलाइन मिलेगा, अकाउंटेबिलिटी होगा। तो दुष्ट अपलाइन से हमें पीछा छुड़ाना है, आज से अपने आपको रियलाइज करना है। तो शकुनी मथुरा से हमेशा, क्योंकि बीच में आ जाते हैं, राइट। आज हमने सीखा उसको थोड़ा एक लाइन में खत्म करते हैं। फर्स्ट आपने गोल सेट किया, उस गोल सेट को हम छन्नी से फिल्टर करेंगे, टेस्ट करेंगे, पेन एंड गेम में अगर पास कर लिया तो ठीक है, उसके बाद होल्ड ऑन टू रिपोर्ट, और कंप्लीट टारगेट को फोकस किया तो कंप्लीट टारगेट ही जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके लिए हम बार बार रिमाइंडर लगाएंगे, घड़ी उल्टा पहनेंगे, टूथपेस्ट अलग जगह रखेंगे, ऐसे ऐसे सब करेंगे रोज, उसके बारे में 100 बार मारेंगे, टाइम में जितना है जितना है जितना है जितना है। और उसके बाद क्रिटिकल फैक्टर बनाएंगे, क्या क्या करने पर हम जीत सकते हैं, उसके बाद कॉन्स्टेंट टेबल बनाना है, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, मतलब हर हफ्ते में कम से कम एक बार आपके अपलाइन के पास आना है वो टेबल लेके, जो मैंने कॉन्स्टेंट रिव्यू टेक्निक बताया, अपलाइन को बताया सर मैंने ऐसा काम किया, ऐसा रिजल्ट आया, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे और क्या करना है। अगर डेली बात कर सकते तो डेली बात करिए, डेली बात करिए तभी जाकर होगा। दोस्तों हमारे बिजनेस के लिए अपलाइन सबसे इंपोर्टेंट है, मेरे लिए मेरे अपलाइन सबसे इंपोर्टेंट है, मैं अपने अपलाइन के लिए किसी भी इंसान तो क्या मैं कितने बड़े पहाड़ से टकरा सकता हूं, क्यों मेरे लिए मेरा अपलाइन इंपोर्टेंट है, जिस दिन दोस्त जिस दिन आप चीख के दुनिया को बोल दोगे ये एक लाइन मेरे लिए मेरे अपलाइन इंपोर्टेंट है ना, उसी दिन आप डायमंड बन गए, सिर्फ डेट बताना बाकी। सर ने बोला कि लेडीज को भी सूट पहन के आना है, मैंने अपनी टीम को लेडीज को बताया, बोले सर इतने कम दिन में होगा नहीं, मैंने बोला सर करना है क्योंकि मेरे अपलाइन ने बोला है, नहीं भी पहन के आओगे एंट्री हो जाएगी क्योंकि अपलाइन बॉस नहीं है, मगर मेरे अपलाइन ने बोला, उस तो सोच के बोला होगा ना, तो अपलाइन जो बोलेगा मेरे लिए ठीक बोलेगा, मेरे लिए ठीक बोलेगा। दोस्तों मैंने कोशिश किया आपको ड्रीम को गोल को कैसे, क्योंकि बार बार गोल सेट करते हैं पूरा नहीं करते, बार बार सेट करते पूरा नहीं कर पाते, मैंने कोशिश किया, आपको समझ में आया? Yes! समझ में आया? Yes! दोस्तों जाने अनजाने में एक्साइटमेंट में मैंने बोल दिया है कि आप ड्रीम को फाड़ दीजिए, ड्रीम पूरा नहीं होगा, आप डायमंड नहीं बनेंगे। एक्चुअली मैंने एक्साइटेड होकर बोला है, दिल से ऐसा नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ, मेरा मिशन भी है कि मेरा नेटवर्क में जो भी ज्वाइन करते हैं सारे लोग कामयाब है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सारे अपना ड्रीम पूरा करें, सारे डायमंड बने, ये मैं चाहता हूँ। और जाते जाते ये मेरा स्टाइल है, सक्सेसफुल टिप्स, टिप्स ऑफ द डे, आप सब लिखिए, बस लिखना एक लाइन इसका खबर। रोज रात को ये काम करना है सोने से पहले, ठीक है, अपने आपके क्वेश्चन पूछना है, क्या क्वेश्चन है लिखो, आज आज कौन सा एक काम जो मुझे नहीं करना चाहिए था, आज कौन सा ऐसा काम है जो मुझे करना नहीं चाहिए था, समझ में आया? जैसे आपने लिखा आज मैंने अपने इनको झूठ बोला जो मुझे बोलना नहीं चाहिए था, आज सुबह उठ के मुझे प्लांट शो में जाना चाहिए था 9 बजे से पहले, हो सकता था जो मैंने प्लांट शो नहीं किया, आज एक फॉलोअप कर सकता था नहीं किया, आज मैं 5 मीटिंग ले सकता था नहीं किया, आज मैं ट्रेनिंग के लिए 2 बंदे को मोटिवेट करने के लिए जा सकता था, एलडीपी था कल वो आ सकते थे, मैंने नहीं किया। लिखिए लिखिए, अब 90 डेज लिखना है, कितना दिन, 90 डेज लिखिए, आप लाइफ में बहुत बड़ा और एक बिजी। फ्रेंड्स अगर आप पहली बार इस चैनल में हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।